अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से आया हूँ सानिया मुनीफ के लाइव स्टॉक फार्म पर। एक आज मेरा रैंडम विजिट था और मैंने यहाँ विजिट किया है और फार्म की माशाल्लाह से खूबसूरती आपके सामने है। गुलाबी गोट्स की कलेक्शन इनके पास है जो कि आप देख सकते हैं, और मेरे साथ सानिया मुनीफ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा माशाल्लाह, लास्ट टाइम भी आपका फार्म विजिट किया था, बहुत अच्छी कलेक्शन रखी हुई थी। इस टाइम आपने कौन सी कलेक्शन रखी हुई है और कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास अवेलेबल हैं? जी जी, लेकिन अब क्योंकि बकरीद के सीजन के लिए आ रहे हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स ला रही हैं आप बकरा ईद में जैसे कुर्बानी कलेक्शन के लिए? ठीक है, जैसे टापरे और टेडी टापरे वगैरह होते हैं। जी जी, 87 टापरे। अच्छा अच्छा, आप दिखा सकती हैं कौन से टापरे की कलेक्शन आपके पास अवेलेबल है, या हमें दिखा दें ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि वो टापरा किस टाइप का है? 87 अगर टापरे आएंगे तो वो किस टाइप के होंगे? अभी तो एक सेट में रैंडम अपने शॉप से। ठीक है ठीक है, इसी तरह के। अच्छा अच्छा, ये थोड़े जो गुलाबी हैं इसमें आपने फीमेल्स रखी हुई हैं या मेल्स रखी हुई हैं? इनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ आप बताएं, या इसमें आपको शौक इसका गुलाबी का ही क्यों हुआ, बाकी ब्रीड्स का क्यों नहीं हुआ? जी जी ठीक है ठीक है, फीमेल गोट्स ही हैं। अच्छा अच्छा, ये मुझे एक नजर आ रहा है किड, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, इसकी डिटेल्स वगैरह शेयर करेंगे कि इसकी क्या एज है और ये मेल है या फीमेल है, क्या चीज है? ये वाला तो बिल्कुल मेरे शौक का है कि लाइक शौक का है। अच्छा, ये सेल का नहीं है? अच्छा, आगे भी सेल। अच्छा, ये कितनी? 2 मंथ्स का है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, तो 23 इंच इसके कान है। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। इसका वेट आप बता सकते हैं, अंदाजन कितना होगा इसका वेट? 25 किलो के करीब। तो व्यूअर्स, इनके फार्म पे मुझे बहुत अच्छा एक बच्चा नजर आया है जो कि 2 मंथ्स का बता रही, 2 मंथ्स का है, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी क्लास, एक मिनट छोड़ना इसको, रस्सी को मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा। इसकी क्वालिटी, इसकी क्लास आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी जालर है। ईयर्स की लेंथ आपने कितनी बताई? 23 इंच इसके ईयर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत है। 2 मंथ्स इसकी एज है और ये कलेक्शन मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों के पास इस तरह के बच्चे होते हैं, और इनके फार्म की ब्रीड है, इनके फार्म की ही ब्रीड है। अच्छा, फीमेल्स की कलेक्शन कितनी है आपके पास, कुछ बताइए इस फीमेल्स के बारे में और क्या क्या एजेस हैं इनकी? ये क्या एज होगी इसकी? 6 माह की है। 6 मंथ। अच्छा अच्छा, 6 माह के, माशाल्लाह। ये 6 मंथ की पट है, आप देख सकते हैं गुलाबी के अंदर है और ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके कितने कान? 22 इंच कान है इसके, ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। 6 to 8 months की है सारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, 22-23 इंच इनके कान भी है, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनको आप डाइट में क्या अभी दे रही हैं? मिक्स चारा, ठीक है ठीक है, ये सारी चीजें दे रही। जी जी, दूध वगैरह। अच्छा, सुबह 1 किलो दूध पीता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये टोटल कितनी फीमेल्स होंगी आपके पास ये गुलाबी की, जो अच्छी क्वालिटी की हैं, आप समझती हैं शौक वाली गोट्स हैं, ये कितनी होंगी टोटल? 10 होंगी माशाल्लाह इस वक्त। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, व्यूअर्स आप देख सकते हैं इनकी कलेक्शन माशाल्लाह एक से बढ़ के एक, और कराची सिंध पाकिस्तान के अंदर हम मौजूद हैं, और सानिया मुनीफ इनका नाम है, मुनीफ लाइफ स्टॉक फार्म की ओनर हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और मैं समझता हूँ फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है इस फार्मिंग में या इस बिजनेस में, और मैं समझता हूँ बाकी हमारी यूथ के लिए भी एक चैलेंज है और हमारी जो बाकी ख़वातीन हैं उनके लिए भी एक ये फ़ख्र है कि इस एज के अंदर। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी? वैसे पूछना नहीं चाहिए लेडीज से सवाल, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ एज आपकी कितनी है? अच्छा अच्छा, बैचलर्स हुआ है आपके साथ, वैसे एज क्या है आपकी? 3? अच्छा, 30 का एंड, टीन्स का एंड। अच्छा, टीनेजर्स का जो एंड होता है
वो इनकी एज है और माशाल्लाह दुआएं हमारी इनके साथ हैं कि अल्लाह इनको और कामयाब करे और तरक्की दे। अच्छा, जो आपने टेडा रखा हुआ है, टेडा दिखाएंगे आप अपना? अच्छा, इसमें क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं टेडे के अंदर, या इसमें क्या खूबसूरती देखी जाती है? हाथ की पलाई करते हैं। सर पीछे साथ। अच्छा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, तो इसका वेट कितना होगा अंदाजन? अभी वेट इसका होगा तकरीबन 2 मन 10 किलो हो जाएगा। 2 मन 10 किलो होगा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह व्यूअर्स, 2 मन 10 केजी का टेडा है ये, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेडा है। अच्छा, एज कितनी है इसकी? एज इसकी तकरीबन हो जाएगी 13 माह हो जाएगी। 13 माह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह व्यूअर्स, ये 2 दांत में है और बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह देखो 2 है। दांत दिखाएं? 2 दांत है व्यूअर्स, आप दांत भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल 2 दांत के। अच्छा, आपको मिस सानिया पहले गुलाबी का शौक था, फिर ये टेडो का और ये पलाई वाले बकरों का शौक कैसे हो गया अचानक? स्टार्ट से 3 साल से तो गुलाबी, ठीक है, गुलाबी में चेंज के लिए आपने, लेकिन तैयार कर। अच्छा, आपने 87 जो टेडे रखे हैं इसी तरह के हैं या इससे कम वेट में? बिल्कुल इसी तरह, इससे ज्यादा भी है, तो बस अपने शौक के लिए ले आई थी। क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था जाने का। जबरदस्त। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं टेडे की भी खूबसूरत कलेक्शन है, और मुझे ये बता रही है की 87 सारे यहाँ आएंगे कुछ ही डेज के अंदर, 87 टेडे इस फार्म पे यहाँ मौजूद होंगे। अच्छा, अगर कोई जैसे परचेज करना चाहता है तो वो किस तरह कांटेक्ट कर सकता है? फार्म की लोकेशन क्या है, थोड़ी सी हमारे साथ गाइड कर दें। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी स्टडीज का होता है, जी जी, जो डीलिंग वगैरह होती है मेरे फादर से, जो आपके फादर करते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दो। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आप उनका बताएं क्या है? 0341 100 000 200। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लोकेशन अगर जैसे कोई विजिट करना चाहता है या कोई फैमिलीज के साथ आना चाहता है या बच्चों के साथ, अक्सर लेडीज भी अगर आपसे इम्प्रेस होकर वो विजिट करना चाहे और सिर्फ आप ही से मिलना चाहें, तो आप क्या अवेलेबल होती हैं फार्म पे, या कोई टाइमिंग्स होता है, या वीकली डेज में कैसे? स्टडीज का तो वीकेंड पे तो सैटरडे संडे होती हूं, ठीक है, बाकी वीकडेज में जो होता है वो एक शॉर्ट विजिट होता है वीकेंड। अच्छा, शॉर्ट विजिट होता है आपका। और जो फार्म है हमारा मेन, जो थापगढ़ की मंडी है, सुरापगढ़ की मंडी, बिल्कुल ऑपोजिट रोड पे मेन मेवाड में, ठीक है, टोयोटा शोरूम के पास। तो व्यूअर्स, इनका फार्म टोयोटा शोरूम के बिल्कुल बैक साइड पे है, और ये मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान का फखर है सानिया मुनीफ, जो कि गोट फार्मिंग की इस दुनिया के अंदर पहली पाकिस्तान की लेडी हैं, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का सेटअप किया और इतना एक्सपेंड करके गोट फार्मिंग को एक अलग ही लेवल तक ले गई हैं। अच्छा, इसके बारे में बताइए कि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि गोट्स हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है, गोट्स एक्सपोर्ट कैसे होती है, तो आपका इस तरफ है कि आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को या मईशत को बेहतर किस तरह कर सकती हैं? बिल्कुल, इस पर हम लोग इस साल भी वर्क करना स्टार्ट किया था, ठीक है, लास्ट टाइम बोला भी था कि हम लोग कंसाइनमेंट वगैरह जाने थे, बट क्योंकि इस वक्त अभी लॉकडाउन, जी जी, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया से, सऊदी से, बांग्लादेश से, चीन से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आए थे, ठीक है, लेकिन अभी कोविड की वजह से। ऑर्डर में कौन सी गोट ज्यादा प्रेफर की गई लोगों ने? गुलाबी को। अच्छा, वहाँ लोग कह रहे हैं कि ये ब्रीड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्रीड अपनी कंट्री में लोग स्टार्ट करना। अपनी कंट्री। अच्छा, इनकी वैक्सीनेशन के बारे में बताइए, और इनकी वैक्सीनेशन किस तरह आप लोग करवाते हैं? इसकी वैक्सीनेशन जो है, इसकी वैक्सीनेशन हर 3 मंथ्स के बाद होती है। हर 3 मंथ्स बाद होती है, ठीक है, जो अलर्जी हुआ हमारे, ठीक है। तो इसकी वैक्सीनेशन आप लोग गवर्नमेंट डॉक्टर से करवाते हैं या प्राइवेट करवाते हैं? प्राइवेट करवाते हैं। तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स तो वैसे तो अवेलेबल होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक ऑर्डर भी निकाला हुआ है कि वैक्सीनेशन तो फ्री है, तो आप लोग फिर गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाते? वहीं से करवाते हैं, क्योंकि कराची भी सिंध के अंदर ही आता है और नौशेरो फिरोज भी सिंध में है, तो जब वहाँ हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, अच्छा, वहाँ से आप लोग वैक्सीनेशन करवा के फिर यहाँ लेकर आते हैं? ठीक है, सेलिंग पॉइंट है। अच्छा, जो आपके टेडे की कलेक्शन आएगी या कुर्बानी 2021 के लिए लोग अगर आपसे परचेज करना चाहते हैं टेडेज, तो वो कौन सी डेट एक्सपेक्टेड है, कितने डेज बाद आ सकते हैं आपके टेडे? दिस कमिंग फ्राइडे।
व्यूअर्स, मेरा एक रैंडम विजिट था लेकिन कमिंग फ्राइडे पे इनके पास 87 इस क्वालिटी के टेडे यहाँ पर लैंड करने वाले हैं कराची के अंदर। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका साइज। सानिया, इसका वेट आपने कितना बताया? इसका वेट कितना है? दो मन दस किलो इसका वेट है। और इसमें मजीद इलास्टिसिटी है इसको एक्सपेंड करने की। और अभी इसकी एज भी बता रहे हैं कि अभी ये दो दांत हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसको उठाइएगा ताकि हम अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से दिखा सके माशाल्लाह से। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अलग ही प्रिंट में है। इसका प्रिंट बड़ा है, पसंद किया जाता है। इसकी आप देख सकते हैं सीना और ये इसका जान में देखो माशाल्लाह, जान भी देखो। इसको थोड़ा सा चला के दिखाइए, अच्छा थोड़ा सा आप एक बार फिर से अपने फार्म का ओवरव्यू बताएं कि आपने गोट्स कहाँ रखी हुई हैं और मेल जो गोट्स हैं या कुर्बानी के गोट्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स को एक ओवरव्यू हो जाए कि आपने फार्म की मैनेजमेंट किस तरह की है। थोड़ा सा अपना फार्म का एक ओवरव्यू हमें दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपके शौक के या VIP एक प्लस क्वालिटी के, एक क्वालिटी के एनिमल्स है। ठीक है, वो साइड पे आप लोग रखते हैं? अच्छा अच्छा, मेजोरिटी फीमेल्स। अच्छा ये जो शेड है इसमें आप लोग क्या रखते हैं? यहाँ पे वो है जो मेरे अपने सिर्फ दो हैं, एक से कैट है। ठीक है, और छोटा वाला। अच्छा ये वाला जो है आप लोग, इसका आपने कोई नाम वगैरह रखा है? नहीं अभी नाम नहीं रखा। अच्छा ये भी साइड बनी हुई, यहाँ पर भी शेड्स बने हुए काफी, तो इन शेड्स में क्या होता है? यहाँ पे जो अभी जब कुर्बानी जाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा जो कुर्बानी की कलेक्शन आएगी 87 जो टेडे आएंगे वो आपके यहाँ आएंगे? जी जी, फीमेल गोट्स थी। जी जी, ईद के हिसाब से होंगे। तो व्यूअर्स आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी काफी ज्यादा अच्छी कलेक्शन है। यहाँ भी इन्होंने शेड बनाया हुआ है, वहाँ दो शेड बनाए हुए हैं, वहाँ ए प्लस क्वालिटी के जो इनके शौक के एनिमल्स हैं, जैसे गुलाबी फीमेल्स आपको 10 से 12 दिखाई वो वहाँ इन्होंने सेटअप की हुई है। उसके बाद जो दूसरा शेड आपको दिखाया उसमें इन्होंने अपना जो पर्सनल शौक है जो सेल नहीं करना, वो उनके पास एक मेल किड है वो आप देख सकते हैं वहां पर खड़ा हुआ है, उसको आगे लेके आना। एक ये है जो कि इन्होंने बिल्कुल भी सेल नहीं करना, ये इन्होंने अपने शौक के लिए रखा हुआ है और अपने फार्म के लिए। फ्यूचर में आप इसको ब्रीडर बनाएंगी? फ्यूचर ब्रीडर है इनके फार्म का। और इसके अलावा जो टेडा आपको दिखाया, टापरा क्रॉस टेडा जो कि पलाई 2021 का है, और इसके बाद एक और भी शेड नजर आ रहा है, उसमें आप लोग क्या करते हैं? कुर्बानी के? ठीक है, अच्छा व्यूअर्स आपको मैं कुर्बानी की कुछ कलेक्शन है वो भी आपको दिखा दे, आप थोड़े से ही बाहर में आके दिखा देंगे ताकि आसानी हो जाए। अच्छा मिस सानिया, यहाँ पर आपने कुर्बानी के कितने गोट्स अभी फिलहाल फॉर इंस्टेंस पड़े हुए होंगे आपके पास? तो मेन कुर्बानी की बस यही है, तीन ही है। फ्राइडे को आ रहा है। ठीक, अभी कोई 150 हमने ले ली है। अच्छा 150 आपने परचेज किया है कुर्बानी के, जिसके अंदर आपकी जो क्रॉस ब्रीड होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब है। अच्छा ये अवेलेबल है अभी सेल के लिए? सारे यहाँ पे सेल, सिर्फ वो दो बकरे जो मेरे अपने। जी जी, अच्छा इनकी डिटेल्स आप अलग ना एक एक करके बताइए, इनको आगे ले आइए, इसको थोड़ा सा आगे करना। इसकी क्या एज है इस वाले की? सर इसकी एज जो है तकरीबन 13 माह है। ठीक है, 13 माह। ठीक है, दांतों में दो है, दो दांत है। इसके दांत दिखाइएगा, दांतों में अभी चार हो, अभी चार दांत हो गए, चार दांत। ठीक है, अच्छा इसका वेट कितना होगा? पिछहत्तर किलो माशाल्लाह। अच्छा जबरदस्त, इसको थोड़ा सा चला के यूज़ ही आप देख सकते हैं 2021 की कुर्बानी के लिए अवेलेबल है। दांतों में ये चार है और इसका वेट आपने कितना बताया? 75 के जी इसका लाइव वेट है। अच्छा मिस सानिया, इस टाइप के गोट्स की जैसे आप लोग क्या यानी उसकी वर्थ है या इसकी क्या आप लोग डिमांड करते हैं, आस्किंग प्राइस क्या होती है इस टाइप के एनिमल्स के, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो और वो अभी वीडियो देख रहा हो तो आपसे कांटेक्ट करके परचेज कर? 80,000 इसकी डिमांड, निगोशिएट हो जाएगी। ठीक, अच्छा इसके बाद ये वाला जो है ये दिखाइए। अच्छा इसकी क्या डिटेल्स है? 14वां उम्र है, यानी दो दांत का हुआ अभी। ठीक है, और इसका वेट कितना है लाइव वेट? वेट हो जाएगा 70 के जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इस टाइप की गोट की क्या जैसे वो है डिमांड? इसकी डिमांड
75,000। अच्छा माशाल्लाह। इसका ये थर्ड नंबर पे, इसको आगे लेके आइए। ये खीरा है अभी तक। अच्छा व्यूअर्स, ये खीरा बच्चा है माशाल्लाह। ये ईद तक दो दांत हो जाएगा? ईद तक हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। अच्छा इसका क्या वेट, क्या लाइव वेट क्या है? 70 kg हो जाएगा। अच्छा मिस, इसकी क्या डिमांड होगी इस वाले गोट की? 65,000। तो व्यूअर्स, इनके पास अभी 3 गोट्स अवेलेबल हैं 2021 के लिए, और नेक्स्ट फ्राइडे को 87 इनके पास गोट्स आएंगे टेडे कलेक्शन, और उसके अलावा मजीद 70-80 गोट्स और आएंगे। तो लमसम 150 के करीब कराची के अंदर भारी तरीन बकरे आने वाले हैं इसी फ्राइडे, दिस फ्राइडे। बकरे 700 गोट्स हमने अलग अलग जगहों पे अभी वो रखे हुए, हमारी फार्म नहीं है। ठीक है, उनको फिर अभी, यानी आपने पलाई के लिए रखा हुआ है, डिफरेंट स्पॉट से कलेक्ट करके। तो व्यूअर्स, जो अभी इस फ्राइडे को 700 गोट्स 2021 कुर्बानी कलेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फैमिलीज के साथ या आप अपने बड़े जो बुजुर्ग हजरात होते हैं जो मंडी या धक्के मंडी के नहीं खा सकते, या मंडी में अक्सर लोग खुआर भी होते हैं, खुआरियां नहीं करना चाहते, यहाँ एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, आप यहाँ पर आके, और कोविड की एसओपीज हैं आप फॉलो करना चाहते हैं, तो यहाँ कोई ज्यादा रश नहीं लगी, बिल्कुल पीसफुल सोसाइटी के अंदर है, और ये एक बहुत पुरमन इलाका है, बिल्कुल सुराब गोट से थोड़ा सा आगे, ये आपका टोयोटा शोरूम के बिल्कुल बैक साइड पे, एक सोसाइटी बनी हुई है, उसके अंदर ये फार्म लोकेटेड है, मुनीफ लाइफ स्टॉक के नाम से ये फार्म लोकेटेड है। इसकी ओनर है सानिया मुनीफ, इनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, अगर कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड हो गोट फार्मिंग में, या इनसे गोट्स परचेज करने के लिए, या ईद कुर्बानी 2021 के लिए आपने खूबसूरत बकरे खरीदने हैं, और निगोसिएशन भी बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा अगर फर्ज करें कोई हमारे रेफरेंस से आता है तो आप उससे क्या निगोसिएशन कर सकते हैं? और पहले भी लास्ट वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पांस रहा था, ठीक है, काफी लोग आए हैं, और आपने व्यूअर्स को खुद भी जी जी फीडबैक आया हो, तो बिल्कुल उनके साथ निगोसिएशन आप कर लेंगे, तो व्यूअर्स निगोसिएशन भी बिल्कुल हो जाएगी, और कोई भी दोस्त अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल इनके फार्म पे आकर इनके फादर से कॉन्टेक्ट करके, और जो बार्गेनिंग होगी इनके फादर बार्गेनिंग भी करेंगे, और आपको बिल्कुल अच्छी चीज, एक सेटिस्फेक्शन बिल्कुल देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम भी जब आप आएंगे तो आपको एक अच्छी से। अच्छा आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने तो माशाल्लाह इतना जबरदस्त सेटअप कर दिया कि आप फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ईयर ही आपका मेरे ख्याल में गोट फार्मिंग में थर्ड ईयर एक्सपेंड किया, थर्ड ईयर इनका तीसरा साल है, और माशाल्लाह 700 गोट्स फॉर द कुर्बानी 2021 की कलेक्शन लेकर आ रही है। मैं समझता हूँ कराची के अंदर ये सबसे बड़ी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी फीमेल गोट फार्मर है, जिन्होंने के पास 700 का लॉट आएगा फॉर सेल 2021 के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के पास टाइम नहीं होता मंडी विजिट करने का, तो आप यहाँ आके इनसे ये गोट्स परचेज कर सकते हैं। अच्छा लास्ट में आप यूथ को क्या मैसेज देंगी कि इतना आपने तो एक्सपेंड कर दी, इतनी चीजें कर ली, यूथ को आप कोई ऐसा मैसेज दें ताकि वो भी इस फील्ड में आए, और खास तौर पे लेडीज अगर इस फील्ड में आए तो किस तरह वो आपकी तरह कामयाब हो सकती है? बेसिकली यहाँ पे मेरी फैमिली का किसी का भी एनिमल या इसमें नहीं था, लेकिन मोस्टली ये मेरा शौक था अपना, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि अपना शौक था, फैमिली ने सपोर्ट किया, जी जी, तो ये सामने। और यूथ का ये कि अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई दें, अगर लेडीज भी, बिकॉज बहुत सारे इसके बाद आए थे मेरे पास कॉल्स वगैरह के फार्म स्टार्ट करना चाहती है कुछ, ठीक है, अगर किसी का वो होगा तो उसमें भी बिल्कुल किसी को गाइडेंस चाहिए। तो आपने किसी लेडीज को आज तक गाइड किया है उस वीडियो के बाद? कितनी लेडीज को गाइड किया? तीन तो ऐसे तो काफी बात है, किंतु स्टार्ट भी करना है सब। अच्छा तो किसी ने अभी तक स्टार्ट किया है लेडीज ने या अभी तक नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अभी बकरीद के लिए वर्किंग है, बकरीद के लिए वर्किंग। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मुनीफ लाइफस्टॉक की वीडियो पसंद आई होगी, और ये सानिया मुनीफ हैं, पाकिस्तान का फख्र हैं, और हमारी दुआ इनके साथ हैं कि ये पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट लेडी गोट फार्मर हैं, और फर्स्ट भी हैं और बेस्ट भी हैं, और इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है गोट्स की। तो कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड हो, मुनीफ लाइफस्टॉक के नाम से इनका फार्म है, गोट फार्म, उस पर इनके वालिद साहब डील करेंगे आपसे, कोई भी बार्गेनिंग हो, परचेजिंग हो, किसी भी किस्म की डील होगी इनके वालिद साहब करेंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।